रेड जिहड़ा कीता है जी बेसिकली इनफॉर्मेशन है कि मैनुफैक्चरर बड़े बड़े पद्धर ते पेठा बनाया जा रहा और कानून जिहड़ा है जां निजम है फूड सेफ्टी निजम है उन्होंने छिक्के टंग के बनाया जा रहा और प्रैक्टिकली देखा भी गया वो चीज़ पे कोई मियार ही है नहीं गा बनाउण दा चूना पाउणा चूना किन्ना पाउणा नॉलेज नहीं लाइसेंस फूड का कोई नहीं हैगा जिहड़ी उहदी गारबेज आ जां जिहड़ी चीज़ उहदी वेस्ट मटीरियल आ उहदा उदां ही फर्शां ते सुट रहे आ मक्खियां बुरी हालत है पानी का कोई सैंपल टेस्टड नहीं किसी वर्कर का मैडिकल नहीं होया अज तक क्योंकि जो लाइसेंस लैंदा तां फिर सारियां सारी साडे पैमाने ते खरा उतरदा जदों लाइसेंस ही नहीं लिया तो कोई चीज़ ही नहीं हैगी नॉर्मल इंश्योर की करना हुण हो जाना सब कुछ देखो अंदाजा मैं तकड़ी नहीं रखी पर 4-5 क्वांटल तो होगा अंदाजे ना जिन्ना का मेरा अंदाजा है ज़्यादा ही हो 5-6 क्वांटल तो जो टोटल लाइए जो 5-6 क्वांटल तो हैगा ही यदा समान सारा डिस्ट्रॉय करांगे जी उन्होंने डिस्ट्रॉय करांगे जिहड़ी चीज़ हैगी नहीं खाण दे योग हैगी डिस्ट्रॉय करके जावांगे जिहड़ी चीज़ आ ग्राहकों को जागो ग्राहक जागो जिहड़ी कोई आले दुआले लागे आ वो देखण फूड सेफ्टी टीम नूं सरकार नूं एडमिनिस्ट्रेशन नूं उन्होंने नोटिस लियाउण एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दे देगी जे डीसी साहब दे नोटिस भी आ जाए तो ओबवियसली वह फूड सेफ्टी वालों नूं दसूगे भी जिहड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट आ इहदी कार्रवाई की जाए देखा जाए सारा हुण अज आ गए हाँ असीं इसे करके आए अज नुकसान देखो जिहड़ी चीज़ ज़्यादा मकदार च पाउंदे आ क्यों कैंसर हो रहा क्यों रीनल फेलर च किडनियां फेलर बंदे जा रहे डायलिसिस होई जांदे आ डिजीज़ दा तां पता ही नहीं लगता स्किन दियां प्रॉब्लम किन्नियां जिहड़ी चीज़ अडल्ट्रेंट है उहदा अडल्ट्रेंट दा सिट्टा की निकलदा उह तां पता ही नहीं कित्थे तक पहुँच रहे गलबात किन्ना खराब हो रहा फैक्टरी घरां दे विच बन सकदी है देखो ये भी सवाल बहुत वधिया तुसीं कीता जिहड़ी फैक्टरी आ इह कमर्शियल बिल्डिंग नहीं हैगी कमर्शियल बिल्डिंग च बिजली भी कमर्शियल हुंदी आ रेट भी लगना कमर्शियल और वह कमर्शियल एरिया जिहड़ा आ उहदा सारे नॉर्म फॉलो करने हुंदे आ सो ये जिहड़ी कमर्शियल जिहड़ा ना उहदे च है ही नहीं गा ये रेजीडेंशियल एरिया जिहदे च करदे आ निगम जिहड़ा कारपोरेशन आ उह अपना काम करे पे इत्थे कमर्शियल काम किवें चल रिहा कारपोरेशन देखे निगम वाले देखण क्योंकि ये रेजीडेंशियल एरिया जिहड़ा जे कमर्शियल आ तां उह देखण पे टाउन प्लैनिंग डिपार्टमेंट ने प्लैनिंग से इन प्लान किया कि यह बिजनेस कमर्शियल परपज लिए वरत्या जा सकता डॉक्टर साहब कदों की फैक्टरी चला रहा है कोई पता लगा ये तो अपने मूहों कह रहा मैं 4-5 साल तो हाँ रब जाने कदों तो कर रहा है की पता कदों तो करता है तो रब जाने किन्ने मैं पुराना धंधा लग सतेंद्र सिंह अलीगढ़ अलीगढ़ जी एक दिन करीब होता 3-4 क्विंटल पेठा हाँ एक आज कितना तैयार हुआ आज अभी नहीं अभी हो रहा है अभी तैयार कितना होएगा शाम तक इतना ही हो जाएगा 3 या 4 करीब क्या भाव है इसका रेट तो वही है 55-60 का है सप्लाई करते हो मार्केट में नहीं इतने आ जाते हैं लेने वो लोग आ जाते हैं लेने आज सेल में पाके अफसर आए हैं आपके क्या करना चाहते हो फैक्ट्री में जी क्या कहना चाहते हो मतलब क्या कहना चाहता हूँ आपके पास लाइसेंस नहीं है कोई लाइसेंस नहीं है कोई हाँ लाइसेंस नहीं लाइसेंस के बिना ही चला रहे हो फैक्ट्री आप नहीं लाइसेंस अगर फिर होगा तो फिर उन्हें पता होगा चाचा जी को चाचा जी चाचा जी को पता है आपने दिखाया सेल तो जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं नहीं अभी तो यही था मेरे पास यही था मेरे पास अभी आप मानते हो कि कुछ मिलावट हो रही है पेठे में मिलावट तो कुछ भी नहीं है कितने बंदे काम करते हैं आप मैं करीब हैं 7-8 बंदे और जो चूना कह रहे थे वो आपके पेठे में डाल दिया गया है उसके संबंध में क्या करेंगे उसके चूने से अब क्या होगा अब तो कुछ नहीं होगा खिलवाड़ होता है इसका सफाई हो जाती है इससे कच्चे पेटे की अच्छा सेफ्टी सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं खाने से कोई बीमारी लगती है कि बचता बंदा नहीं नहीं वैसे ऐसे कोई बात नहीं होता कोई बात नहीं आप कितना तैयार किया बैठा है इसमें पड़ा है अभी 3-4 क्विंटल पेटा करीब 3-4 क्विंटल करीब पेटा होगा आप मिलावट करते हो नहीं मिलावट तो नहीं कुछ उससे वो सफाई हो जाती मतलब उससे चूने से खाली होगा ये आपको कड़ियाला पानी पे आपके पेट की सफाई होगी ये कड़ियाला तो पानी है